हेलो गाइस, आज मैं अपनी बुआ सास के यहाँ आई हुई हूँ। उनके यहाँ पोता पैदा हुआ है और आज उसका छठी पूजन है। हमारे यहाँ जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है तो छठी पूजन होता है, जो ताई पूजती है उसकी, मतलब मैं या मेरी देवरानी उसकी ताई लगती है बच्चे की। तो हम दोनों में से कोई भी उसकी पूजा करेगा। और शिप्रा के यहाँ से आने के बाद हम बस 1-2 घंटे लंच करके हम इधर आ गए थे। आप देखिए वीडियोस, छठी पूजन कैसे होता है। ये जूही की बुआजी हैं और पास में ही रहते हैं, यहाँ पर बुआजी के घर के पास ही हैं थोड़ी दूर। और ये छोटी बुआजी हैं जूही की, और ये जो बच्ची दिखाई दे रही है ये बच्चे की बड़ी बहन है। ये जूही की बुआजी के यहाँ आ गए हम, और दीदी हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई, बच्चे और मैं आ गए थे यहाँ पर। ये बुआजी की बहू है जिसको बेटा हुआ है, ये बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई है। ये देखिए छोटा सा प्यारा सा। यहाँ पर ये नीली साड़ी में मेरी सासू माँ है, और ये पास में देवरानी बैठी हुई है व्हाइट और ब्लैक साड़ी में। छठी पूजन शुरू हो गया है, और देखिए यहाँ पर खाना बनाया गया है। ये 5 जनों को दिया जाएगा उनकी गोद में, और पूजा कराई है मेरी देवरानी, नहीं करा दी है पूजा क्योंकि वो भी ताई ही लगती है। ये बे माता की प्रतिमा बनाई गई है, गोबर से बनाई जाती है हमारे यहाँ, इसकी पूजा होती है।
यहाँ बच्चे को काजल डाला जा रहा है। हमारे यहाँ जो बच्चे की बुआ होती है वो छठी वाले दिन बच्चे की आंखों में थोड़ा थोड़ा काजल डालती है, और ये घर पर ही बनाया जाता है। किसी दिन मैं ये काजल कैसे बनता है ये भी बताऊंगी आप लोगों को।